शेखपुरा जिले के 4 प्रखंड को सूखा क्षेत्र घोषित करने और विकास योजनाओं में मची लूट को रोकने सहित 10 सूत्रीय मांगों के समर्थन में सीपीआई कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय पर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपा। सीपीआई कार्यकर्ता स्टेशन रोड स्थित पार्टी कार्यालय से जुलूस निकालकर समाहरणालय पर पहुंचकर सभा में बदल गया। क्षेत्र हो गया, लेकिन जिला प्रशासन के गड़बड़ियों के वजह से शेखपुरा घाट कोसमा को सुखाड़ क्षेत्र से वंचित किया गया। ये भेदभाव किसानों के साथ, मजदूरों के साथ बड़े पैमाने पर जिला प्रशासन और सरकार के मेल पर किया जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मांग करती है पूरे शेखपुरा जिला को सुखाड़ क्षेत्र नहीं बल्कि अकाल क्षेत्र घोषित करो। हमारा रबिया फसल भी नहीं होने वाला है। हम मांग करते हैं जिले के अंदर बढ़ते अपराध पर रोक लगाएं। आपको मालूम होगा शाम में 4 बजे दिन दहाड़े 2 लाख रुपया एसपी आवास के गेट के सामने जिला अधिकारी के बाउंड्री के बगल में एटीपीओ के कार्यालय के सामने से छीन लिया गया। यदि वीआईपी रोड डीएम और एसपी का गेट सुरक्षित नहीं है, पूरा शेखपुरा उसी से नापा जा सकता है। आज सुरक्षित है, बड़े पैमाने पर अपराध बढ़ रहा है, अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। हम मांग कर रहे हैं।